नमस्कार, क्राइम सीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आज क्राइम सीन पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आंगनबाड़ी की एक 50 साल की सहायिका को मंदिर में भगवान की जगह हैवान मिले। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां पर एक महिला रोज आम दिन की तरह गई तो थी मंदिर भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन वहां पर मंदिर के पुजारी और उसके सहायक ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। आपको बताएं, दरअसल ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहां पर 50 साल की आंगनबाड़ी की सहायिका आम दिन की तरह उस दिन भी मंदिर गई थी। मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, बच्चों से ये बताकर गई कि वो शाम के 5 बजे तक वापस आ जाएगी। हालांकि काफी देर हो गई, तब तक वो वापस नहीं आई, और जब वो वापस नहीं आई तो उसके बच्चों ने ये सोचा कि मम्मी, जैसा कि उसके बेटे ने बयान भी दिया है और कहा है कि मम्मी वहां से शायद कहीं चली गई होंगी और वापस आ जाएंगी, ये सोचकर उसके बच्चों ने खाना खाया और उसके बाद वो लोग सो गए। रात को 11 बजे उनका दरवाजा खटखटाया गया, उन्होंने देखा तो कोई उनका नाम लेकर उन्हें बुला रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला तुम्हारी मम्मी, और उसके बाद एक बुलेरो गाड़ी थी उसके आगे, उस तरफ वो भागा। दरअसल वो व्यक्ति मंदिर के पुजारी का चेला बताया जा रहा है, जो उस वक्त उसके बेटे के सामने, यानी कि जो मृतक है उसके बेटे के सामने उस वक्त था। जैसे ही वो बुलेरो की तरफ भागा, उस बुलेरो में उस वक्त सत्यपाल यानी कि मंदिर का पुजारी जो है वो बैठा हुआ था। उन दोनों ने ही धक्का देके उसकी माँ को, यानी कि तब तक वो लाश हो चुकी थी, उसे बाहर फेंका, घर के सामने दरवाजे पर रखा, और उसके बाद वहां से वो चलते बने। उसके बच्चे जब तक कुछ समझ पाते तब तक खून से लथपथ पड़ी उसकी माँ उसके सामने थी। उन लोगों के हाथ पांव फूल गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उन्होंने चारपाई पर अपनी माँ को लिटाया, देखा तो बदन पर खून ही खून था। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, बहुत देर तक इसकी सूचना दी। जैसा कि उसके बेटे ने ये बयान में भी कहा है कि उसने पुलिस को उस समय भी बताया, सुबह में भी फिर फोन किया, लेकिन पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 48 घंटे के बाद जाकर पुलिस ने उस शव का पोस्टमार्टम किया है, पूरी हीला हवाली हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब उस लड़के के सामने उसकी माँ को फेंका गया, रखा गया, तो ये बताया गया कि वो कुएं में गिर गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये कहकर वो तो वहां से चले गए। उसके बाद पुलिस ने भी उन लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी, लगातार पुलिस की तरफ से हीला हवाली होती रही। बाद में पुलिस जब इस मामले में आई, जांच करना पुलिस ने शुरू किया, तो पुलिस ने शुरुआत में ही इसको यही माना कि ये महिला कुएं में गिर गई थी। मंदिर के पास से एक कुआं भी है, उसी कुएं में गिर गई थी, सूखा कुआं था, और उसी में गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई है, और यही कहा गया। लेकिन जब 48 घंटे के बाद उस महिला का पोस्टमार्टम कराया गया, तो फिर उस पोस्टमार्टम में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए जिसको मैंने कहा कि जो मानवता को शर्मसार कर देने वाले हैं। दरअसल उस पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ कि उस 50 साल की महिला के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे जैसे रॉड या फिर किसी और चीज के डालने की बात सामने आई। इसके अलावा उसकी पसली टूटी हुई थी, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, उसके पैर में गंभीर चोटें आई थी, और उसे बेहद गंभीर चोटें कई जगहों पर शरीर में आई थी। यानी कि ना सिर्फ उन लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था, बल्कि उसकी निर्मम हत्या तक उन लोगों ने की थी। और उसके बाद वही लोग उसके घर के सामने उससे रखकर फरार भी हो गए। काफी दिनों तक वो जो पंडित था वो फरार रहा, सत्यपाल जिसका नाम है। लेकिन पुलिस की उसके बाद जब चारों तरफ से किरकिरी हुई कि क्यों पुलिस ने इस मामले की इसको संजीदगी से नहीं लिया, क्यों पुलिस ने इसमें इतनी हीला हवाली की, तो उसके बाद जाकर SSP संकल्प शर्मा ने उस थाना अध्यक्ष को, यानी कि उस समय जो थाना अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इसमें हीला हवाली बढ़ती थी, राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया, और अब सत्यपाल को, यानी कि जो मंदिर का पुजारी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये खबर अपने आप में रूह कपा देने वाली खबर है कि अब मंदिर में भगवान की जगह हैवान बसने लगे हैं, और वो भी क्या पुजारियों के वेश में, क्योंकि इस घटना ने तो कम से कम इस ओर सोचने को मजबूर कर दिया है। नमस्कार।